नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय शेखर श्रीवास्तव पर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, थैंक यू का रिप्लाई क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के मन में हमेशा रहता होगा कि थैंक यू के जवाब में कुछ लोग वेलकम बोल देते हैं, कुछ नो प्रॉब्लम, कुछ इट्स ओके बोलते हैं, तो कुछ लोग माय प्लीजर, कुछ लोग मेंशन नॉट, आई एम हैप्पी टू हेल्प एनी टाइम, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मन में हमेशा ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में रहता होगा कि कहाँ पे थैंक यू का रिप्लाई हम कौन से शब्द से दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को ये महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो समय को जाया ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थैंक यू का रिप्लाई दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है वेलकम। तो वेलकम कब करते हैं, मीन्स वेलकम शब्द हम कब बोलें अगर कोई मुझसे थैंक यू बोलता है। तो दोस्तों, वेलकम का मतलब होता है स्वागत या नवाजिश। मीन्स अगर कोई मुझसे थैंक यू बोलता है दोस्तों, तो हम उसका उत्तर वेलकम तब देंगे जब मैंने किसी के लिए छोटा सा काम किया और वो मुझसे क्या बोला, थैंक यू। तो उसके जवाब में मैं बोलता हूँ वेलकम, मीन्स आपका स्वागत है। कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं हुई और मैं ये करने के लिए बार बार तैयार हूँ। मीन्स जब स्वागत का भाव प्रकट हो दोस्तों, कि ठीक है मैंने जो काम किया वो कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं था, मैं तो आपके लिए हमेशा ऐसे काम करने के लिए तैयार हूँ और आपका स्वागत है, हमें कोई समस्या नहीं हुई, ऐसे थैंक यू पर हम दोस्तों क्या बोलेंगे, वेलकम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात आती है नो प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। नो प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल दोस्तों वहां पर करेंगे, जैसे भी हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं, हम क्लास में दोस्तों बैठे हुए हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, सपोज दैट हम एक स्टूडेंट हैं और हम क्लास में बैठे हुए हैं, और उस क्लास में जो मेरा एक फ्रेंड जो हमारे बगल में बैठा हुआ है उसकी एक पेन गिर जाती है। मैंने क्या किया, मैंने पेन देखा कि मेरे फ्रेंड की पेन नीचे गिर गई है, मैंने उस पेन को उठाया और अपने फ्रेंड को पेन दे दिया। तो वो दोस्त जो मेरा होता है, जो मेरा फ्रेंड होता है, वो मुझसे बोलता है थैंक यू यार। तो उस थैंक यू के जवाब में दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मीन्स अरे मैंने कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं किया है, ये छोटा सा तो काम था, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मीन्स कोई समस्या नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। मीन्स दोस्तों समझ में आ चुका होगा आपको कि नो प्रॉब्लम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बहुत छोटा सा काम जिसमें ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े और आसानी से आप काम को कर दें, अगर उसमें कोई हमको थैंक यू बोलता है तो उसके रिप्लाई में हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। थर्ड वर्ड मेरा दोस्तों है इट्स ओके। इट्स ओके का इस्तेमाल दोस्तों कब होता है, जब बाई दवा में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और छुट्टी होती है स्कूल में, और मेरा दोस्त कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है, और वो एक अपनी बुक जो है क्लास में भूल जाता है। मैं जब देखता हूँ कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त क्या किया, ये किताब जो है स्कूल में भूल गया है, तो मैं उसके घर तक जाता हूँ और उस किताब को देने के लिए कि भैया ये आपकी जो है, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये जो है आपकी किताब छूट गई थी क्लास में, मैंने देखा तो मैं आपके लिए इसको घर तक ले आया हूँ। तो वो मुझसे क्या बोलता है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू दोस्त। तो उसके जवाब में हम दोस्तों बोल सकते हैं इट्स ओके। मींस इट्स ओके एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डालता है, मतलब थोड़ा कष्ट तो हुआ लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, इट्स ओके। मींस यहां पर नो प्रॉब्लम शब्द जो है, ये छोटा सा काम अगर होता है, जैसे मैंने पेन उठा करके दे दिया, तो वो बहुत साधारण सा काम था, उसमें कोई ज्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों इट्स ओके में क्या हुआ, हमने क्लास से बुक उठाई और उस बुक को उसके घर तक ले जाना पड़ा है, शायद वो एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर, जो भी दूरी रही हो, उस दूरी को तय करके मैं उसके घर पे गया हूँ। तो इस तरीके से कह सकते हैं उसमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी है, इसलिए हम वहां पर का इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू के जवाब में, इट्स ओके शब्द इस्तेमाल करेंगे। बाय द वे दोस्तों, हमारी सिस्टर का बर्थडे है और मैंने सोचा कि अपने सिस्टर को लाओ कुछ गिफ्ट किया जाए, तो कुछ गिफ्ट करने पे हमने क्या किया, मैंने उसके लिए एक ड्रेस खरीदी, अच्छी सी ड्रेस खरीदी और उसके बर्थडे पे शाम को लेके पहुंच गया। मेरी सिस्टर जब उस ड्रेस को देखती है तो बड़ा खुश होती है और कहती है भैया थैंक यू। तो मैं क्या बोलता हूँ उसके जवाब में, अपनी सिस्टर से कहता हूँ माय प्लीजर, मीन्स ये तो मेरा अच्छा सा वो था, मैं बहुत खुश हूँ, माय प्लीजर, ये मेरी इच्छा थी जो मैंने तुम्हें इसको दिया। तो थैंक यू के जवाब में दोस्तों ऐसे पे क्या करते हैं, हम माय प्लीजर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला शब्द है मेंशन नॉट। मेंशन नॉट का शब्द का प्रयोग तब करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही साधारण सा शब्द है। मेंशन नॉट का शब्द इस्तेमाल हम अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने दोस्तों के बीच भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी के लिए कुछ थोड़ा सा काम किया और वो मुझे थैंक यू बोलता है, तो दोस्तों उसके जवाब में हम बोल देते हैं मेंशन नॉट। मेंशन नॉट का मतलब होता है अरे उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है, वो छोटा सा तो काम था, मैंने आसानी से कर दिया, इसमें आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों उसके बाद मेरा शब्द है आई एम हैप्पी टू हेल्प। आई एम हैप्पी टू हेल्प दोस्तों स्पेशली कस्टमर वाले क्षेत्र में, मेन शॉपकीपर अगर है और हम एक कस्टमर है। बाई द वे हम गांव में रह रहे हैं और हमारे गांव में पनीर की जो है कोई बिक्री नहीं होती है, मतलब पनीर की कोई दुकान नहीं है। किसी ने उस दुकान को, पनीर की दुकान खोला, मैं पहुंचा कि भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये दुकान खोला, अब अगर हमें कभी भी जरूरत हुआ करेगी तो हम आपसे इस पनीर को खरीद सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो वो जो शॉपकीपर होगा वो कहता है आई एम हैप्पी टू हेल्प, मीन्स मुझे ये सहायता करके आप लोगों की मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब मुझे खुशी हो रही है। तो हम यहाँ पर दोस्तों शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं थैंक यू के जवाब में, आई एम हैप्पी टू हेल्प। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनी टाइम और लास्ट वर्ड है एनी टाइम। तो एनी टाइम का इस्तेमाल दोस्तों तब करते हैं, बाय द वे कोई हमारा दोस्त है और उस दोस्त का किसी कॉलेज में एडमिशन होना है और वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पा रहा है, और बाय द वे मेरे पिताजी जो है किसी बढ़िया पद पे है, कोई ऑफिसर रैंक के हैं और उनकी उस कॉलेज में अच्छी सी पकड़ है, उन्होंने कॉल करके क्या कह दिया कि भाई इस लड़के का जो है आप एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, और उस दोस्त का जो हमारा दोस्त है उसका एडमिशन हो जाता है। तो वो जो दोस्त होगा वो दोस्त हमारे पास फोन करेगा और कहेगा थैंक यू यार तुम्हारी वजह से आज मेरा एडमिशन हो गया। तो हम दोस्तों वहां पर उसके जवाब में क्या कहेंगे, थैंक यू के जवाब में एनी टाइम, मीन्स अरे कोई बात नहीं है जब चाहो, एनी टाइम मतलब किसी भी समय। अरे ये तो मैं मेरी ड्यूटी थी और मैंने जो भी किया ये कोई खास काम नहीं किया, जब भी चाहो मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि थैंक यू के रिप्लाई में ये सात शब्द किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय।